बताओ भगवान काम क्या करते हैं? मैया, ओ मैया, झोले में क्या ढूंढ रही हो मेरी माँ? क्या चश्मा? सुनो, यहां चश्मे की जरूरत ही नहीं है, कान की जरूरत है सिर्फ। मेरी मां ध्यान दो। अच्छा बताओ भगवान करते क्या है? ये मैया बताएंगी, पीछे वाली लाल साड़ी वाली मैया पीछे चेयर पे बैठी है, कुर्सी पर। मैया बताओ भगवान काम क्या करते हैं? क्या करते हैं? नाचते हैं? भगवान क्या काम करते हैं आप बताओ? भैया आप लोग बताओ भगवान क्या करते हैं बताओ? भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। क्या करते हैं? दुनिया को उत्पन्न किस रूप में करते हैं? ब्रह्मा बनकर उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं और शिव बनकर सृष्टि का संहार करते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतव, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, तीन काम करते हैं भगवान। भगवान, अच्छा मैया बताओ भगवान कितने होते हैं? मैया कितने भगवान होते हैं? ये दादाजी बताएंगे कितने भगवान होते हैं। भैया आप बताओ भगवान कितने होते हैं? कितने? मैया आप बताओ, पीछे वाली मैया सबसे पीछे, कितने भगवान होते हैं? एक भगवान एक है। तो फिर राम जी और कृष्ण जी ये कौन है? ये दोनों एक ही हैं। जो एक भगवान है उनका नाम बताओ क्या है? जो आप कह रहे हैं ना भगवान एक होते हैं, तो क्या नाम है उनका एक भगवान का? क्या? भगवान श्रीमन नारायण। भगवान श्रीमन नारायण ही राम है, भगवान श्रीमन नारायण ही कृष्ण है। वही ब्रह्मा बने, सृष्टि उत्पन्न की। वही विष्णु बने, सृष्टि का पालन किया। वही शिव बने, सृष्टि का संहार किया। तो अब आप पूछेंगे कि जब ईश्वर एक है तो तीन भागों में डिवाइड होने की क्या जरूरत है? ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों एक का ही अंश है। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे बिजली एक होती है, बिजली एक होती है, पर एक बिजली तीन फेसों में डिवाइड हो जाती है, फेस वन, फेस टू, फेस थ्री। व्यवस्था के लिए एक बिजली तीन फेसों में डिवाइड हो गई, उसी प्रकार एक परमात्मा तीन भागों में डिवाइड हो गए, क्योंकि एक सृष्टि को उत्पन्न करेंगे, एक पालन करेंगे, संहार व्यवस्था बनी रहे, इसलिए तीन भागों में डिवाइड हो गए। वही है ब्रह्मा विष्णु और महेश। इन तीनों को ही गॉड कहा गया, जीओडी, गॉड, गॉड फॉर गॉड में जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को जनरेट किया, उत्पन्न किया, विष्णु जी ने पालन किया, ऑपरेट किया, जनरेट, जनरेटर ब्रह्मा जी, ऑपरेटर विष्णु जी और डिस्ट्रॉयर भगवान शिव। तीनों को जोड़ा तो क्या हुआ? जी ओ डी, गॉड। ये हो गए गॉड, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों, ये तीनों कौन है? भगवान श्रीमन नारायण ही सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए वो ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ईश्वर एक है, वही सृष्टि उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। अब भगवान करते क्या हैं? दुनिया को उत्पन्न करना, पालन।